So what then happens when we see with eyes of faith? तो फिर जब हम ईमान की नजर से ईमान की आंखों के साथ सब चीजों को देखते हैं. One thing is faith shrivels up my problems. It shrivels them up. तो ये जो हमारा ईमान है हमारी मुश्किलों को खत्म करता है. When you see your problems through the lens of God, जब हम इन तमाम मुश्किलों को खुदा की नजर से देखते हैं, they get small. तो सारी चीजें हमें छोटी नजर आनी शुरू होती हैं, जो हमें बड़ी-बड़ी लगती हैं. They get small. तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है, आप ईमान में जब मजबूत होते चले जाते हैं, ईमान में बढ़ते चले जाते हैं, तो चीजें जो देखी चीजें हैं, जो आपके लिए खतरा हैं, जो आपके लिए बीमारियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता छोटी होती चली जाती हैं. The Bible says, is anything too hard for the Lord? And the answer is no. The second thing seeing with eyes of faith does, faith opens the door for miracles. तो जब आप ईमान की नजर से चलते हैं, ईमान की आंखों से देखते हैं, तो फिर मुजजात के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। Jesus said to the disciples, मसीह ने शागिर्दों से कहा, Have faith in God. कि खुदा पर भरोसा ईमान रखो। And you can say to this mountain, move, and it's going to move. अगर आपका ईमान खुदा पर है तो इस पहाड़ से कहोगे कि चला जाए तो वो भी चला जाएगा. Another thing faith does is faith moves God to act on our behalf. और खुद ईमान के साथ आप बड़े बड़े मुजीजे कर सकते हैं. Now don't misunderstand me. Don't misunderstand. मुझे जो है इस बात faith moves God to act on our behalf. ईमान जो है वो उस काम को जो आप कर रहे होते हैं उसको खत्म करता है. However, God is not